दोस्तों मैं आज ऑस्टिन एक्वाटिक एक्वेरियम स्टोर में और आज मैं इनके पास आया हूँ न्यू एक्वेरियम फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। दोस्तों ऑस्टिन एक्वाटिक में हमेशा आपको काफ़ी अलग अलग वेराइटीज के मॉन्स्टर फिश और एक्सोटिक एक्वेरियम फिश आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों हम लोग स्टॉक तो कवर ही करने वाले हैं, पर दोस्तों स्टॉक कवर करने से पहले हम लोग मुलाकात करते हैं ऑस्टिन एक्वाटिक के ओनर से जिनका नाम है ऑस्टिन हुड्डा। हमारे सामने है ऑस्टिन सर जो ऑस्टिन एक्वाटिक के ओनर है। हाउ आर यू सर? आई एम फाइन सर, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया है सर। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है आपके साथ शूट करने का, एक्वेरियम फिश हो कवर करने का। तो सर इस बार में कौन सी अपने एक्वेरियम फिश है वो लाई है स्टॉक में? आप वीडियो में देख ही सकते हो मेरे पीछे ही पूरा बहुत ही बड़ा पिकॉक बास का कलेक्शन है। yes. और उसके अंदर अभी फिलहाल मेरे पास 16 पिकॉक बास है। अच्छा। और सबका साइज 9-10 इंच के अंदर है। yes. और उसके साथ मेरे पास बहुत ही अलग वैरायटीज के चिकलेट्स है और बहुत अलग अलग वैरायटीज के मॉन्स्टर्स भी इस बार हम लोग ने आपके लिए लेके आए। yes. तो ऑस्टिन सर कवर करने के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सीधे इधर आ सकते हैं, पहले ही आप इसको कवर कर सकते हैं। यहाँ पे है हमारे पास दो टाइप के पिकॉक बास। जो आप स्पॉटेड पिकॉक बास जो आप देख रहे हैं वीडियो में वो है चिचला गोल्डन कैलबेरी जिसका साइज 7-8 इंचेस का है। इसके स्पॉट देखिए आप। यस। और इसी के अंदर हमारे पास मोनोक्यूलस भी है। यस। और मोनोक्यूलस का साइज 9-10 इंचेस है और 10 इंचेस प्लस भी 2-3 पीस है जो बहुत बड़े हैं। इसको मैं आपको फीड करके दिखाता हूँ, आप व्यूअर्स को दिखा सकते हो। ये देखिए, ये हम उसको प्रॉपर गोल्ड फीड करते हैं दिन में 2 बार। आपको डालते ही दिखाई भी नहीं देगा, इतने फास्ट वो लोग एक्टिवली खा लेते हैं। यस। काफी मतलब एंग्री ईटर है, हेवी ईटर है। इसके अंदर हमारे पास एक एंटिटी भी है 7-8 इंच का। yes. इसको हम नॉर्मल स्मॉल फीड ही डालते हैं ताकि उस तक पहुंच पाए, क्योंकि बड़ा फिश तो उसके पास पहुंचता नहीं है। बराबर। तो इसका साइज 7 इंच का है और इसके पैटर्न देखिए प्रॉपर गोल्डन एंड क्लियर पैटर्न है। तो दोस्तों आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा स्टॉक है। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहा हूँ कि इतने मतलब एक टैंक में इतने क्वांटिटी में पीकॉक बस, और आप देख सकते हो सारे हेल्दी है, किसी भी प्रकार का जो फिन है किसी भी क्लैम्प नहीं किया है, मतलब किसी प्रकार का आपको डिजीज है कोई फिश है शो नहीं कर रहा हो। तो काफ़ी अच्छा हेल्दी स्टॉक है। कलर भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा विजिबल हो रहा है और इतने ह्यूज क्वांटिटी में पीकॉक बस है, मैं फर्स्ट टाइम है एक टैंक में मैं कवर कर रहा हूँ। तो ऑस्टिन सर इनका क्या प्राइस है? सर इसका प्राइस की बात करेंगे तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पे हमने सब प्राइस मेंशन किए हुए हैं, उसका डिस्क्रिप्शन आप सॉरी इसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। और सेकंड थिंग, इसका प्राइजेस हमने 6,000 रुपीज रखा है मोनोक्यूलस का और सिचिला कैलबेरी का हमने 5,000 रुपीज रखा हुआ। अच्छा, ये मोनोक्यूलस ना? हाँ, जो बड़े बड़े साइज में मोनोक्यूलस जिसके बैंड दिख रहे हैं ना आपको, और जो स्पॉटेड है वो सिचिला कैलबेरी। और इसका जो एनटीडी है उसकी बात कर रहे हैं आप? यस। 6,500। अच्छा, मतलब सबका सेम प्राइस है? हाँ, सबका ऑलमोस्ट सेम है। और जिसका जो मॉइस्चर टैंक है उसके लिए तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, प्रॉपर एक्टिव टैंक। अभी हम सेकेंड मॉइस्चर टैंक कवर कर दे जो हमारे पीछे थोड़ी सी और कलरफुल टैंक है। ये टैंक का साइज अभी 4 फीट बाई 2 फीट हाइट है इसका। यस। और इसके अंदर हमारे पास देखो अलग अलग कलर के बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन है। यस। और हम स्टार्ट करते हैं पहला एक किंगकॉन्ग पैरेट्स है, इसके अंदर हमारे पास 2 रेड किंगकॉन्ग पैरेट्स है। हाँ हाँ। और ये रेड डेविल भी है। यस। जिसका साइज ऑलमोस्ट सबका साइज 6 इंच प्लस ही है, 6-7 इंच ही है। इसके अंदर एक फ्लैग टेल भी है जो 10 इंचेस का है। बराबर। और इसमें 2 वाइजा की वैरायटी है, एक वाइजा पर्सी है जिसको ब्लैक स्पॉट है और ये है वाइजा सिंपलम। और रेक्टेल जाइंट गुरामी भी है 2 पीस। यस। और इसके अंदर जो पिकॉक बास है ये अनोखा पिकॉक बास है, मतलब इसलिए मैं उसमें ऐड नहीं किया इसको, ये है ब्रोकोपोंडो पिकॉक बास। अच्छा। इसका साइज 9 इंचेस तक है।
ओके। और इसके अंदर एक वाइन मिलरी भी है मेरे पास, जियोफिगस वाइन मिलरी, जिसका कलर देखिए आप। आज का वीडियो मॉन्स्टर लवर्स के लिए तो बहुत ही बड़ा सरप्राइज है, ये तो ट्रीट है मॉन्स्टर लवर्स के लिए। और ये तो कुछ भी नहीं है, हमने जो अभी अरवाना का वैरायटी लेके आए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है, मतलब आपने ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स ने देखा होगा। yes. लेकिन मेरे शॉप में वो जो मेरा ड्रीम फिश है इसलिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मेरे शॉप में मैंने 3 लाए थे, अभी मेरे पास 2 बचे है, तो हम वो भी कवर करते हैं। तो दोस्तों प्राइजिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, अभी जो भी हम लोग एक्वेरियम फिश कवर करने वाले हैं तो उनका आपको प्राइजिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। प्लस जो है वो ऑनलाइन इनका शॉप है तो उसका भी लिंक है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो दोस्तों अभी मैं मोस्ट रेयर वेराइटी इन अरवाना में कवर कर रहा हूँ, मुझे भी काफ़ी पसंद है। और ऑस्टिन एक्वेरिक में फर्स्ट टाइम आपको ऐसी जो मोस्ट रेयर एक्वेरियम फिश आपको देखने को मिल रही है अरवाना में। सर इनके बारे में बताइए। सर जी इसके बारे में क्या ही बताऊँ, आप प्रॉपर इस पे एक सर्टिफिकेट पे ही जूम कर दीजिए। yes. ये है प्रीमियम प्लस सुपर रेड और जनरेशन है F5। आपने नॉर्मली F2 जनरेशन ही हमें मिलता है, लेकिन ये है F5 जनरेशन। और ये आपने मेरा ऊपर का पोस्टर भी और फोटो भी देखा होगा, वही मेरा ड्रीम फिश है। ये सेम वही फिश है जो आप अभी टैंक में देख रहे हो। अच्छा, और ये प्रॉपर व्हाइट लाइट में, ऐसे नहीं कि मैंने रेड लाइट चालू करके आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ये प्रॉपर व्हाइट लाइट में आप देख सकते हो उसको। yes, yes. इसको मैं आपको सुपर वर्म फीड करके दिखाता हूँ। सो गाइस हम इसको अभी सुपर वर्म फीड कर लेते हैं, ये देखिए। या कितना सेट एंड एक्टिव है। बराबर, ऐसे हमारे पास और एक पीस है जो मैंने डिस्कस के अंदर रखा हुआ है, तो उसको भी हम डिस्कस के साथ ही कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अनदर हम लोग अरवाना फिश है वो कवर कर रहे हैं, यहाँ पे भी देख सकते हो काफी सुंदर है, काफी हेल्दी है। और अभी फीड के एरे को कैसे फूड के ऊपर अटैक कर रहा है, इससे आपको पता चलेगा कि अरवाना फिश है कितने हेल्दी है, कितने एक्टिव है। और उसकी जो ग्रूमिंग वो काफी अच्छी तरीके से हुई है मेरे को। और इसका कलर देख सकते हो काफ़ी वाइब्रेंट है, आप लाइट देख सकते हो ब्लू एंड वाइट है मेरे को, तो उसमें इसको रखा है तो उसमें इसका रेडिश कलर है इतना विजिबल हो रहा है। ये जब भी ये एक्चुअल साइज में ग्रो होते जाएगा तो तभी एक्चुअल इसका जो रेडीनेस है वो और बढ़ेगा। और आप देख सकते हो किसी प्रकार का जो स्केल है वो टीयर नहीं है, फटा हुआ नहीं है इसका डोर्सल, बाद में एनल फिन वगैरह सब देख सकते हो, सब प्रॉपर है, काफ़ी हेल्दी फिश है। आपको इसको कलर का ज्यादा रिजल्ट जल्दी चाहिए तो आपको उसको ऑब्वियसली टैनिंग लाइट लगाना पड़ेगा। yes, जो yes. रेड टैनिंग लाइट आता है हाँ। तो आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रीमियम अरवानाज होते हैं उनके स्केल्स आपको टैन करने ही पड़ते हैं, तो ही आपको रिजल्ट दिखेगा। और वो कितने घंटे सर लगाना पड़ता है दिन में? दिन में 4 से 5 घंटे। अच्छा अच्छा, और वो प्रॉपर कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए अरवाना। यस यस यस, और इसी के अंदर आप अभी डिस्कस भी सामने ही आ गए। और इसके अंदर हमारे पास येलो क्रिस्टल डिस्कस है, सबका साइज 4.5 इंचेस तक है। और इसके अंदर हमारे पास व्हाइट फेस रेड मेलन, येलो क्रिस्टल और रेड मालब्रो भी है जो फिल्टर। अच्छा, के पीछे अच्छा। डिस्कस का भी हेल्थ देखिए आप, क्लीन नीट विदाउट एनी ब्लैक स्पॉट्स। यस, प्रॉपर आपको सब पैटर्न्स दिखेंगे। और जो भी ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं वो कांच पे है, डिस्कस पे नहीं है। हाँ वही मेरे को। सर क्या साइज है इनका? ये 4.5 से 5 इंच। अच्छा, आप जैसे भी क्वांटिटी खरीदते हो फिशेस के वैसे आपको मैं रेट ऑफर करूंगा। ऐसा कोई ये नहीं है कि ऑनलाइन पे अगर फॉर एग्जांपल 2000 रुपए रेट है तो आपको अगर कोई क्वांटिटी चाहिए तो आपको हम लोग जरूर डिस्काउंट देंगे। यस, तो सब कॉन्टेक्ट आप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन किया हुआ है ऑस्टिन एक्वाटिक का, तो जरूर आप कॉन्टेक्ट कीजिए। आपको ऐसे हेल्दी फिश है आपको यहाँ से डिलीवर हो गया। और सर डिलीवरी कैसे? ऑल ओवर इंडिया है ना? ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी है, और फिश का डिलीवरी मतलब आपको लाइव की गारंटी है, मतलब yes. आपको जब भी डिलीवरी मिलेगी तो फिश लाइव होगा, उसकी पूरी गारंटी होगी। तो लाइव ऑन अराइवल है और ऑस्टिन एक्वाटिक्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। बाद में सर यहाँ पे हमारे पास 24 कैरेट क्रॉस बैग है,
उसके स्केल्स देखो और प्रॉपर 18 इंचेस प्लस है ये। ये भी हमने व्हाइट लाइट में ही रखा हुआ है और आपको स्केल्स प्रॉपर गोल्डन दिखेंगे इसके हेड तक। यस, आप देख सकते हो काफी अच्छा पैटर्न है, वो विजिबल हो रहा है, स्केल भी काफी अच्छे हैं। सर इसके साथ है, इसके अंदर हमने उसके डिस्ट्रैक्शन के लिए एक वाइजा सिंप्लम रखा हुआ है। हाँ। ताकि अरवाना में मूवमेंट बनी रहे, क्योंकि अरवाना को अगर मूवमेंट रखना है तो आपको उसमें एक दो फीस जैसे पैरेट्स हो गए, डॉलर्स हो गए, या हाँ। कोई भी एक चिकलेट वैरायटी जिसको वो हार्म नहीं करेगा, हाँ। वैसे एक फिश आपको ऐड करना ही पड़ता है ताकि उसका डिस्ट्रैक्शन बना रहे। ताकि अगर कस्टमर के पास कोई कम्युनिटी टैंक है तो अरवाना को आदत सी होती है कि फिशेस के साथ रहने की, नहीं तो उसको अकेला ही रखूंगा तो वो एग्रेसिव हो जाएगा। ये भी सर सेलिंग के लिए ना? हाँ, इस सेलिंग के लिए है, वाइजा ही है, सिंपलम वैरायटी जो मैंने अभी अपने कवर किया उसी का ही पेयर है ये। लेकिन हमने इसमें एक रखा है ताकि इसमें थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बना रहे। और अभी यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज है, शायद आपके लिए भी नए है। ये है लिली पी, और जो येलो वाला कलर आप जो शूट कर रहे हो वो लिली पी है, उसी के ऊपर जो है वो बिचारडी है। ये सब तंगालिकन लेक्स के फिशेज है, इसलिए मैंने नॉर्मल चिकलेट में इसको ऐड नहीं किया है। और इसी के अंदर हमारे पास कैलवस भी है जो ब्लैक स्पॉट वाला है। यस, सो ये तीनों अलग अलग वैरायटीज है और बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि मरीन टैंक हम लोग कवर कर रहे हैं। और अभी इस टैंक में सर, इस टैंक में हमारे पास सिर्फ ये है सुरिनामिनसिस जियोफेगस है, और एक दो पीस शायद से हमारे पास रेड हेड तपोजास है। सबका साइज 3 इंचेस है। यहाँ पे सर, यहाँ पे हमारे पास कुछ डॉलर वैरायटीज है, इम्पोर्टेड डॉलर्स है, जिसके अंदर बार डॉलर्स है और स्पॉटेड डॉलर्स भी है, और उसी के अंदर हमारे पास दो पीस हुजेटा गार भी है। हुजेटा गार का एक्चुअल साइज 12 इंचेस तक जाता है, जो नॉर्मल गार जैसे वो बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होते, तो इसको आप एक्वेरियम में ऐड कर सकते हो। और फीडिंग पैटर्न उसका ब्लड वर्म्स और छोटा फीडिंग वो सब खाता है, कार्निवरस ही है, तो आप अपने एक्वेरियम में ऐड कर सकते हैं जो मॉन्स्टर एक्वेरियम ऐड कर रहे हैं, तो साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और इस टैंक में सर, इस टैंक में हमारे पास रीटा कैटफिश है, साइज 4 इंचेस प्लस है। अच्छा, और एक ग्रीन सिनेगल है, इसका साइज अराउंड 6 इंच प्लस है। यहाँ पे आपको सबसे कॉमन चिकलेट जो सबके पास नॉर्मली होता है, लेकिन इस बार हमने जो लाए है वो जो रेड पैरेट है वो 9 सेंटीमीटर के, थोड़े से बड़े है, और उनका कलर पैटर्न देखिए, मतलब थोड़ा भी आपको ब्लैक मार्किंग, स्ट्रेस मार्किंग कुछ नहीं दिखेगा। ताकि हम लोग इसको प्रॉपर क्वारंटाइन करके, प्रॉपर टेम्परेचर मैच करके इनको इंट्रोड्यूस करते हैं एक्वेरियम में। सो इसके अंदर रेड पैरेट है और येलो पैरेट साइज छोटा है, इसलिए उसका प्राइस भी थोड़ा सा कम है। और इसके अंदर कुछ टिन फॉइल्स है डिस्ट्रैक्शन के लिए, जैसे मैंने बोला था फास्ट फिशेस रखोगे तो चिकलेट डिस्ट्रैक्ट होते, एक दूसरे को अटैक नहीं करते, शांत नहीं रहते हो। यहाँ पे हमारे पास एक्सोटिक मालावीज है, आप क्लोज लोगे तो आपको एक मौलाना चिकलेट उसमें दिखेगा, जिसका पैटर्न मतलब देखो आप, उसमें येल्लो एंड रेड पैटर्न है, प्रॉपर कलर है उसके अंदर, उसको मौलाना चिकलेट बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास रेड आई स्ट्रॉबेरी भी है और डॉल्फिन्स भी है, बैकग्राउंड ब्लैक है इसलिए थोड़े से फिशेस डार्क है, मतलब जो ब्लू कलर है थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर दिखता होगा, लेकिन एक्चुअल ब्लू कलर है ये। और इसी के अंदर हमारे पास येलो पिकॉक भी है, जो आपके सामने आया है फिल्टर के नीचे, वो येलो पिकॉक है, मौलाना है, रेड पिकॉक है और डॉल्फिन है, 3-4 वैरायटी इसके अंदर भी बचे हुए हैं, लेकिन लास्ट फ्राइडे को मैंने स्टॉक लाया था, जिस कम से कम 100 पीस थे, सो अच्छा रिस्पॉन्स है इसके लिए ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे हमारे पास रोज टाइगर ऑस्कर बोलते हैं, लेकिन ये अल्बाइनो टाइगर ऑस्कर ही है, लेकिन थोड़ा क्वालिटी अच्छा है, जो पूरा पैटर्न आपको माउथ टू टेल दिखेगा। और इसके अंदर हमारे पास फायर रेड ऑस्कर्स भी है, जिसका साइज 3 इंचेस है, और उसके बाजू के टैंक में हमारे पास टाइगर ऑस्कर्स भी है, थोड़ा सा साइज बड़ा है, 4 to 4.5 इंचेस तक है। यहाँ पे हमारे पास रेड आई जाइंट गुरामी है, जिसका साइज 4 to 5 इंचेस तक है, ऐसे दो पीस है हमारे पास बाजू बाजू में रखे हुए, एक साथ तो नहीं रख सकते, ऑब्वियसली निबल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास जियोफेगस की एक नई वैरायटी है, ये ब्रासिलियंस जियोफेगस है। अच्छा,
ये इसका कलर देखो, ये है जो मेल है आपके सामने जो कलरफुल है, और उसके साथ हमने फीमेल को भी रखा हुआ है। ये फीमेल है क्या? हाँ ये फीमेल है, ये प्रासिनियस जियोफिगस है। नॉर्मली जियोफिगस में आप ऐड कर सकते हो, लेकिन थोड़े से एग्रेसिव होते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टैंक बड़ा होगा तो ही ये आप ऐड कर सकते हो। बाद में दोस्तों हम लोग ऑस्टिन सर का फेवरेट फिश है वो कवर कर रहे हैं। सर इनके बारे में बताइए। ये तो आपको आपने पहले ही बोल दिया कि मेरा फेवरेट है। ये इलेक्ट्रिक ब्लू जैक डैम्सी है। यस। और ये इसे हमारे पास थोड़े अच्छे साइज में आए, मतलब 2.5 से 3 इंचेस तक साइज है। और इसी के अंदर हमारे पास एक गोल्डन आर्चर भी है। हाँ। एक ही पीस है वो, और एक फोटो लेने के लिए बेताब हमारे पास रेड फायर हिल भी है जो पोज देके खड़ा है आपके सामने। yes. लास्ट टाइम हमने लाया था सर, आपको पता होगा शायद से, मैंने 24 इंच का रेड फायर हिल लाया था। हाँ पता है। हाँ, और वो कोयम्बतूर चला गया। बहुत ही प्यारा साइज था, इसका चाहिए तो पैकिंग वीडियो आपको दे दूंगा। yes, या yes, मेरे yes, पास एक वीडियो होगा उसका मैं दे दूंगा आपको। बहुत ही खूबसूरत होते हैं बड़े होने के बाद। और मैंने देखा कि ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं, मतलब बड़े फिश ही रखने का इसके साथ है, पर ऐसा नहीं कि अननेसेसरी अटैक कर। नहीं नहीं, कभी निबल नहीं करते, निबलिंग नहीं करते, किसी को तकलीफ नहीं देते। हाँ। अपने धुन में ही रहते हैं, लेकिन साइज बड़ा होता है और किसी किसी को स्नेक स्टाइल में लगता है। हाँ। इसलिए लोग थोड़े से डरते हैं इससे, लेकिन थोड़े भी हार्मफुल नहीं होते। यहाँ पे पूरा मिक्स लॉट है एंजल्स का, सभी इम्पोर्टेड है। और जो बड़े आपको दिख रहे हो थोड़े से मार्बल और स्कार एंजल्स भी है बड़े में, लेकिन अभी हम एक वन बाय वन कवर करने जाएंगे। तो हमारे पास रेड कैप एंजल है, रेड आई रेड कैप। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हमारे पास ये अल्बाइनो मनाका पूरा है। अच्छा। हाँ ये वाला रेड आईज। और इसके नीचे हमारे पास वो बीएसपी एंजल्स भी है। ये बीएसपी एंजल है। हाँ। ये भी बीएसपी एंजल है। और ये सब जो ऊपर दिख रहा है आपको ब्लैक एंड रेड मिक्स, वो कोई एंजल्स है। अच्छा, ये सब इम्पोर्टेड एंजल्स ही है। मेरे पास थोड़ा सा कम स्टॉक बचा है, सो उसको मैंने सब एक ही टैंक में शिफ्ट कर दिया। ये प्रॉपर सेट है, आप देख सकते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पे है सेवरम सिकलेट, 3 इंचेस का साइज है। और यहाँ पे है शोवेल नोज कैटफिश है और रेड टेल कैटफिश है। इस टैंक में है जायंट साइज ऑफ किंग कॉन्ग पैरेट, आप देख सकते हो दोस्तों, काफी ह्यूज है, ह्यूज साइज में है। और इसका कलर देख सकते हो, काफ़ी डार्क है, रेडिश है पूरा। बाद में सर इस टैंक में एक नई वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है, ये है लैम्पाई टेट्रा। ये अच्छा। जर्मन लैम्पाई टेट्रास है। आप उसको क्लोजली देखे हुए तो लैम्पाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि आँखें के ऊपर प्रॉपर नियॉन शाइन है। यस। की आँखें चमकती है, इसलिए उसको लैम्पाई बोलते हैं। और उसी के अंदर हमारे पास नीचे है ग्रीन कॉरी। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ रेनबो वैरायटीज है। इसके अंदर रेड एंड ब्लू रेनबोज है, और एक तीसरा रेनबो जो है हमने नीचे रखा हुआ है वो है बोस्मानिया रेनबो। बोस्मानिया रेनबो भी है। और उसी के अंदर हमारे पास रैम्स है, बलून रैम्स है। यस। गोल्डन बलून रैम्स है, जर्मन रैम्स है। कुछ 4-5 पीस ही बचे हुए हैं। सो यहाँ पे हमारे पास उसके बाजू में हमारे पास कार्डिनल टेट्रास है, जिसका साइज लार्ज हमने लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टोर पे। यस। लार्ज साइज है। और उसी के साइड में आपको दिखेगा रैम्स, जो लॉन्ग बॉडी रैम्स, जर्मन रैम्स है। उसी के अंदर फीमेल बेटास भी है, और एक हाइफिन रेड आई प्लेको भी है। आप जूम करोगे तो आपको ये देखो, ये आगे ही आगे ये हाइफिन रेड आई प्लेको है, और ये जर्मन रैम्स है, नॉर्मल लॉन्ग बॉडी। और उसी के अंदर हमारे पास कुछ डबल टेल फुल मून बेटास भी है, फीमेल बेटास है। और ये सर यहाँ पे हमारे पास थाई ग्लास कैटफिश है। अच्छा। हाँ, और उसी के अंदर हमारे पास चेकर बाब टेट्रास भी है। चेकर बाब्स है, उसको टेट्रास नहीं बोलते, सॉरी, बाब्स वैरायटी होगी वो, तो चेकर बाब्स है। और उसका साइज चेकर बाब्स का इस बार हमने डबल एक्सल लाया है, बहुत ही अच्छा साइज है। और उसी के अंदर हमारे पास आप फिल्टर के पीछे देख सकते हो एक पेरू कॉरी भी है। हाँ, पेरू कॉरी, गोल्डन पेरू कॉरी। यस। चला गया फिर से। कॉरीज की हमारे पास बहुत ज़्यादा वैरायटीज रहती है, जैसे अभी हमारे पास अल्बाइनो भी है, ग्रीन है, स्टरबाई है, हम धीरे धीरे कवर करेंगे उसको। ये पेरू भी है। उसी के बाजू में हमारे पास अभी ये है नियॉन रेनबो, सॉरी नियॉन टेट्रास।
और इसका साइज डबल एक्सेल ही है, बड़ा साइज है, और उसी के अंदर हमारे पास मॉस्को ब्लैक मॉस्को का पीस भी है। अच्छा, और कुछ स्नेल्स भी है जो किलर स्नेल्स हम जिसको बोलते हैं वो भी है। नेक्स्ट टैंक में हमारे पास यहाँ पे थ्रेड फिन टेट्राज है, ये भी थोड़े से एक्सोटिक में आते हैं। यस, आप उसको क्लोजली लोगे तो उसके बॉडी के ऊपर दो बड़े बड़े फिन्स होते हैं, इसलिए उसको थ्रेड फिन कहता है। और इसके अंदर हमारे पास ये स्टोन कैटफिश है जिसका साइज 1 इंचेस का है। आपको थोड़ा सा पानी धुंधला दिखता होगा क्योंकि ये क्वारंटाइन में है, ये स्टॉक नया ही आया हुआ है 2 दिन पहले, तो हम लोग पहले फिश को क्वारंटाइन कर दे, इसलिए थोड़ा सा आपको पानी या पिंकिश दिखता होगा। बाद में यहाँ पे सर, यहाँ पे रमिनोस टेट्राज है जिसका साइज 1.5 इंचेस तक है। आप पूरे टेट्राज का कलेक्शन हमारा देख सकते हो, बहुत ही हम लोग यूनिक कलेक्शन रखते हो। मतलब नॉर्मल जो मिलता है वो हम लोग नॉर्मली रखते नहीं है, कुछ अच्छा कलरफुल। इसके अंदर हमारे पास प्लैटिनम रमिनोस भी थे, वो तो सब सेल आउट हो गए। और इसके अंदर हमारे पास अभी रासबोराज है, हार्लिक्विन रासबोराज। और जैसे मैंने कहा था हमारे पास वो शरबाई की वैरायटीज जिसके अंदर अल्बाइनो शरबाई भी है, अल्बाइनो कॉरी भी है, और इसके अंदर हमारे पास सिमिलीज कॉरी भी है। और गप्पीज में हमारे पास रेड गप्पीज है, उसी के साइड में हमारे पास कोलंबियन टेट्राज भी है। ये कोलंबियन टेट्राज है जिसका फिन प्रॉपर रेड रहता है और बॉडी ब्लू शाइन करती है। इसके अंदर हमारे पास कुछ ब्लैक डायमंड है और कॉपर टेट्राज है जो लेफ्ट ओवर स्टॉक था लास्ट टाइम का, जो हमने एक टैंक में कर दिया है। और इसके अंदर हमारे पास ब्लाइंड केव है, जो दो पीस बचे, इनको आंखें नहीं रहती। अच्छा, हाँ, ये ब्लाइंड केव फिश है। हाँ हाँ, इनके सेंस पे ही चलते हैं वो लोग, और सेंस पे ही, स्मेल पे ही खाना खाते हैं, इनको आंखें नहीं रहती। और इसी के अंदर हमारे पास प्लैटिनम आप देखोगे तो हाफ बीक भी है, जो नीचे बैठे हुए है वो हाफ बीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट टैंक में है फॉकटेल रेम्बोस, जिसको ऊपर येलो फिन आता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है वो, आप उसको इंटरनेट पे पिक देख सकते हो। फॉकटेल रेम्बोस है वो, इसका साइज अभी मेरे पास 1 इंचेस तक है। और यहाँ पे अभी हम कवर कर रहे हैं एंडलर्स गप्पी, और यहाँ पे हमारे पास रेड एंडलर और लोकल एंडलर भी है, इसका दोनों का रेट अलग अलग है। और उसी के अंदर हमारे पास जो आपको सकर दिख रहा है वो हिलस्ट्रीम लोच है, इसको चाइनीज सकर भी बोलते हैं कोई कोई, तो हिलस्ट्रीम लोच है। इसका हमारे पास कुछ 4-5 पीस ही बचे हुए हैं, साइज कुछ 1.5 इंचेस तक है। यहाँ पे हमारे पास होपोलो कैटफिश है, ये नया वैरायटी का कैटफिश है, ये साइजेस में 6 इंचेस तक भी बढ़ता, ज़्यादा मैक्स नहीं होता, ये भी कलर में बहुत खूबसूरत रहता है। और इसी के अंदर हमारे पास एक सिनेगल भी है, लेपर्ड बाइचर, ये कुछ 3-4 इंच का होगा। और सर यहाँ पे, यहाँ पे हमने फ्लोरॉन है हमारे पास, SRD फ्लोरॉन है, जो नॉर्मल फ्लोरॉन है, ऐसे कुछ उसका हाइप नहीं करूँगा, जो नॉर्मल ही फ्लोरॉन है। हेड आप देख सकते हो, रेंज भी बहुत कम है इस बार, हमारा फ्लोरॉन का स्टॉक इतना कुछ आया नहीं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो मैंने नॉर्मल जो रेंज में आते हैं फ्लोरॉन, जो 1500 के 1800 के रेंज में आते हैं, वही फ्लोरॉन मैंने मंगाए हैं। अभी ये वाइट बैकग्राउंड में है इसलिए थोड़ा सा कलर लाइट दिखा रहे हैं, जब उसको डार्क बैकग्राउंड देंगे तो प्रॉपर कलर दिखाएंगे। तो सेंटर टैंक में आप देख सकते हो कि हमारे पास एलिगेटर भी है, एलिगेटर का जो बहुत बड़ा होता है, जो मैंने बात किया था यही है वो, 4 इंच का साइज अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे कुछ मेरा ऑस्कर कलेक्शन है, जो इम्पोर्टेड ऑस्कर नहीं है, नॉर्मल लोकल ऑस्कर ही है इसके, इसलिए इसका पैटर्न आपको इतना खास नहीं दिखेगा, लेकिन साइज अगर किसी को चाहिए ऑस्कर के तो ये चीप रेट में है, और साइज इसका ऑब्वियसली 6-7 इंचेस है, कुछ कुछ पीस 5 इंच के भी है अंदर। सो आपको अगर ऑस्कर फिश से बहुत ज़्यादा प्यार है, आपको रखना है सस्ते में, बड़ा मच्छी चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, है टक्सीडो ब्लैक प्लेटी फिश, बाद में यहाँ पे सिल्वर डॉलर भी है, कलर वीडो भी है, प्लांट्स भी है यहाँ पे। अगर आप लोटेक एक्वेरियम बनाना चाहते हो, ऐसे प्लांट्स भी आपको ऑस्टिन एक्वाटिक में मिलेंगे। तो यहाँ पे है कोई फिश, काफ़ी अच्छे साइजेस में है, 4-5 इंचेस प्लस है। यहाँ पे है ऑस्टिन एक्वाटिक में बेटा फिश का स्टॉक, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, अलग अलग वेराइटीज के बेटा फिश है, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जायंट बेटा वगैरह भी है अवेलेबल। तो यहाँ पे है वेलेंटिनो कैटफिश,
जो पेट्रिकोला जैसा ही दिखता है, पर ये बिगर वर्जन है। पे है इम्पोर्टेड एक्वेरियम। अगर आप इम्पोर्टेड एक्वेरियम लेने जा रहे हो, लेना चाहते हो, तो यहाँ पे अवेलेबल है मेरे को। और बाद में ये सारे वर्म्स है, वर्म्स भी आपको मिलेंगे अलग अलग वेराइटीज के, अलग अलग साइजेस में बाउल्स है। और यहाँ पे है इम्पोर्टेड एक्वेरियम मेरे को। और यहाँ पे है एक्सेसरीज है मेरे को, फूड है, फिल्टर है। दोस्तों यहाँ पे है बोनसाई ड्रिप फूड, वो जिसको प्लांटेड एक्वेरियम में एक स्पेसिफिक स्केप बनाने का है, तो उसके लिए ज़्यादा करके ऐसा जो बोनसाई है वो सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी अच्छा दिखता है। और यहाँ पे है ड्रिप फूड है, अलग अलग साइजेस में है। अगर आपको बड़े ड्रिप फूड चाहिए तो ऑस्टिन एक्वाटिक में अवेलेबल है ऐसे बड़े ड्रिप फूड देखो। तो ऑस्टिन सर, काफ़ी अच्छा लगा फिर से एक बार आपके यहाँ पे आके और स्टॉक है वो आपका कवर करके। और आप सच में, आपके पास काफ़ी अच्छी वेराइटीज़ है, अलग अलग वेराइटीज़ के मॉन्स्टर फिश है आपने लाई है हॉबीज के लिए, तो काफ़ी अच्छा लगता है आपके पास आके और शूट करके। तो आप क्या बताना चाहते हो सर? मैं यही बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी पहली खुशखबरी ये है कि हम लोग 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर रहे हैं हमारे चैनल पे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गिव अवे रखने वाले हैं, तो आपको जरूर बुलाएंगे। कोई बड़ा गिव अवे होगा जो मैंने मेरे वीडियो में मेरे मेंशन किया है, तो सजेशन तो आपको ही देना है क्या गिव अवे क्या होना चाहिए, क्या कॉम्पिटिशन होना चाहिए, तो आपको ही सब कुछ बताना है। और ये जो आप लकड़े देख रहे हैं, तो हमारा बहुत ही बड़े बड़े सेटअप आ रहे हैं अभी, 7.5 फीट या 8 फीट, 8.5 फीट, बहुत बड़े सेटअप जा रहे हैं। तो इसके भी वीडियो हम कवर करेंगे, हम लोग आपसे कुछ सीखेंगे, हम आप हमसे कुछ सीखना, और मज़ा आएगा पूरा सेटअप करने में, क्योंकि हमने कुछ वॉलंटियर्स भी मंगाए हैं जो आप जैसे व्यूअर और सब्सक्राइबर्स है, वो भी हमारे हमको हेल्प करने आ रहे हैं, तो उनके साथ हम वीडियो शूट करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ सर, और हमारे व्यूअर्स भी काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। तो ऑस्टिन सर, मुझे आप इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। मैं देना तो नहीं चाहता, लेकिन हमारे हाथ में है नहीं, तो रत्नेश सर थैंक यू सो मच, और आते ही रहना ऐसे ही। यस सर, हमारे स्टॉक को व्यूअर्स तक। यस सर, पक्का पक्का, श्योर, थैंक यू सर। तो ये था वीडियो ऑस्टिन एक्वाटिक का था, जिसमें मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के मॉन्स्टर एक्सोटिक एक्वेरियम फिशों कवर किए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो है वो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। तो दोस्तों, मैंने डिटेल्स सारे ऑस्टिन एक्वाटिक के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किए हुए हैं, तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करो, या फिर अगर पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आना तो कॉन्टैक्ट नंबर से आप ऑर्डर दे सकते हो। इनका ऑनलाइन स्टोर का मैंने लिंक भी वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है, आप चेकआउट कर सकते हैं उनका न्यू स्टॉक। तो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।